नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुन ने आपको बताते चले कि संकल्प पत्र के बारे में ब्यूरो हेड सपना चारण से बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ है, क्या कहेंगे आप? संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना समानता का, उज्जवल भविष्य का, तरक्की का, जात पात विश्व मुक्त भारत का देखा था, उसे जमीन पर लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और आज उनके दिन पर मोदी जी ने संकल्प पत्र जारी किया है। ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है, जिसमें भारत के भविष्य की योजना, कैसे भारत को आगे बढ़ना, और उन्होंने स्पष्ट किया है 24x7 और 2047, और उसके लिए वचनबद्धता से वो लगे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 10 वर्ष 14 से 24 25 करोड़ भारतीयों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का काम मोदी जी ने किया है। लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर अनुशासित करते हुए 12वें से 5वें नंबर पहुंचाने का काम, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का काम प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। और अब उनकी गारंटी है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना, 370 की समाप्ति, 35A की समाप्ति, ये जहां ये गारंटी है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, देश के अंदर भ्रष्टाचारी जेल में जाए, उसकी उन्होंने पूरी योजना बनाई। और आज देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के घर पर फ्री भोजन पहुंच रहा है, ये मोदी की गारंटी है। और ये 5 साल आगे भी रहेगा, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल चुके हैं, मुफ्त मकान, आगे 3 करोड़ गरीबों को और मुफ्त मकान मिलेंगे। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, देश के अंदर चारों दिशाओं में तरक्की हो, नॉर्थ साउथ सेंटर वेस्ट, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की नई क्रांति आए, ये रोड मैप बताता है। और चारों जातियां, गरीब, अन्नदाता, युवा व महिला, चारों के जीवन में, चारों भारत को आगे लेके जाएं, उसके लिए इस संकल्प पत्र में जगह जगह पर हमने गारंटी दी है। और ये गारंटी मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कही गई संकल्प पत्र में, क्या कहेंगे आप? हमारी कमिटमेंट है वन नेशन वन इलेक्शन। और देश के अंदर कई मैंडेट्स और कितने अरबों खरबों रुपए बचाए जा सकते हैं, उसके लिए हम संकल्पबंद है। निश्चित रूप से ये भी मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है सर, आप लोगों की इस बार थोड़ा ज्यादा फोकस साउथ में है, तो साउथ के लिए क्या कहेंगे सर? मतलब पूरे देश में ही फोकस है मोदी जी का, साउथ में थोड़ा पूरे देश का संकल्प। अब 400 पार ये देश की जनता का नारा है, और 400 पार कराने में पूरे देश की जनता भरकस प्रयास कर रही है। साउथ में इस बार सीट्स पड़ी, देश के हर कोने में सीट, हर कोने। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ तरुण चुग जी, जिन्होंने संकल्प पत्र के बारे में कहा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण, साधना प्रसाद। तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की, अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौके पर मौजूद रहे। जश्न भी मना रहा है, ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में विशु हो, या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडू हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्रि के 6ठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं, और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में
कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है, नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का
ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना दो महीना ये चीजें संभालना, ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग के हो चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी, साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त की तरफ जाएगा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं, लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बहनों को डिग्निटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले। इसमें स्वनिधि योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सीमित था, आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बहनों को बैंक में बिना गारंटी दिए मदद मिल रही है, मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपा इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी। एक तो 50,000 रुपये का कर्ज की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्बों और गांव देहात के भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा। इसके लिए
विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्तापित हो जाएगी, वो धुरा भी बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी
अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।